नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बाकी जो मर्जी वो कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट चैनल में आगे। दोस्तों, आज का मेरा जो पॉइंट होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। आज का पॉइंट है 1 MQ में कितना ईंट लगेगा, माने 1 क्यूबिक मीटर में कितना मेरा ईंट लगेगा। हाउ मेनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 MQ, रिक्वायर्ड इन 1 MQ में। चलिए वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दो महत्वपूर्ण बताएंगे। एक बताएंगे इंडियन जो मेरा स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में, और एक आपको स्टैंडर्ड साइज के बारे में बताएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड साइज के बारे में। इंडियन 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 स्टैंडर्ड ब्रेक। तो चलिए देखते हैं आज का पॉइंट। तो देखिए, यहाँ जो मेरा इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक होता है उसका जो साइज होता है मेरा, वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड साइज, इंडियन स्टैंडर्ड ब्रिक साइज जो होता है वो होता है आपका 230 mm इंटू 115 mm इंटू 75 mm बराबर। इसको अगर एमएम में चेंज करेंगे तो वो ये हो जाएगा आपको सेंटीमीटर में, सॉरी 23 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आपका हो जाएगा 0.230 मीटर इंटू 0.115 मीटर इंटू 0.75 मीटर, 0.075, 0.075 मीटर। ये मेरा इंडियन स्टैंडर्ड साइज है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसको हम विदाउट मोटार, मतलब बिना मसाला के बताते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं विदाउट मोटार। विदाउट मोटार में देखेंगे पहले क्या होता है। अब देखिए, मेरा एक जो ब्रिक है उसका जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.00198 mq। ये मेरा एक ब्रिक का जो है वॉल्यूम आ गया। अब देखिए विदाउट मोटार देखते हैं, विदाउट मोटार में मेरा एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया 0.00198। जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा, अब देखिए 1 MQ ब्रिक में मेरा कितना आएगा। तो 1 MQ ब्रिक के लिए हम क्या करेंगे, विदाउट मोटार, इसमें मोटार अभी नहीं हम ऐड कर रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे 1 बटा इसका फॉर्मूला होता है आपका, ये मेरा हो जाएगा 0.00198, मतलब 1 बटा जो मेरा एक ब्रिक का साइज है उसको हम लोग यहाँ लिख दिए। इसको जब हम ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 505.05। इसको हम लोग राउंड फिगर लेके चलते हैं, 505 ब्रिक, मतलब 1 MQ इक्वल टू 505 ब्रिक। ये मेरा इंडियन स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक हो गया, विदाउट मोटार 505 ब्रिक आएगा। अब देखते हैं
विदाउट मोटर, विथ मोटर, विथ मोटर, विथ मोटर कितना आएगा? तो विथ मोटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मोटर जो मेरा होता है वो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के आसपास हम लोग मोटर लगाते हैं। तो एक ब्रिक का मेरा साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ वन ब्रिक विथ मोटर, ये मेरा हो जाएगा आपका 240 इंटू 115 है, तो ये आपका हो जाएगा 125 इंटू 85 mm। ये तीनों mm में है आपका, सब में 10-10 mm जुड़ जाएगा जब मोटर लगेगा। तो देखिए आपको ईंट पे मैं समझा देता हूँ, ये जो मेरा ईंट है ना, ये जो मेरा ईंट है इंडियन स्टैंडर्ड साइज के अनुसार, ये आपका 230 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 230 होगा, और ये वाला जो होगा, ये वाला, ये जो होगा आपका 115 होगा, और ये जो होगा साइज यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। तो जब इसमें मोटार लगा देंगे तो ये एक 10 mm इधर बढ़ जाएगा, 10 mm इधर बढ़ जाएगा, 10 mm इधर बढ़ जाएगा, इसी को हम लोग ऐड करके अपना देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसको मीटर में हम चेंज कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका 0.240 इंटू 0.125 इंटू 0.085, ये मीटर में सब आपका हो गया मीटर में। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.002537 5, ये आपका आ गया एक ईंट का वॉल्यूम आ गया आपका चारों तरफ का विथ मोटार, इसमें मोटार लगा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 mm³ विथ मोटार, इसके लिए क्या करेंगे 1/0.002537 5, इसको जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 400 ब्रिक, ये आपका 400 ब्रिक आ गया, ब्रिक इन 1 mm³ विद मोटर। ऐसे ही आप कितना भी mm³ ब्रिक का निकाल सकते हैं, जैसे 1 mm³ में आपको 400 मिल गया विथ मोटार इंडियन स्टैंडर्ड साइज, तो आपको कोई 2 mm³ का पूछेगा 2 से इसमें गुणा कर दीजिएगा, 3 का पूछेगा 3 से, जितना का पूछेगा उतना से हम गुणा कर देते हैं। अब आगे आगे देखते हैं, आपको हम बताते हैं जो स्टैंडर्ड साइज है मेरा जो पूरे जगह यूज होता है उस ब्रिक का हम बता देते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। देखिए जो मेरा ब्रिक इसका जो साइज होता है स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो होता है ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है 190 × 90 × 90, ये सब mm में हो जाएगा, माने 190 × 90 × 90, इसको मीटर में हम लोग चेंज कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.190 × 0.090 × 0.090, ये आपका सब मीटर में हो जाएगा, ये मीटर में हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.001539, ये आपका हो जाएगा 1 मीटर का, ये एक ब्रिक का आपका हो गया वॉल्यूम इतना हो जाएगा। तो अब हम आपको 1 mm³ ब्रिक का बताते हैं, ये जो भी हम आपको बता रहे हैं ये सब आपको बता रहे हैं विदाउट मोटार, ये विदाउट मोटार आ रहा है, ये मेरा स्टैंडर्ड साइज जो है ये विदाउट मोटार के लिए हम बता रहे थे। तो अब आप देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 mm³, 1 mm³ में आपका कितना ब्रिक आएगा, 1 mm³ में आपको कितना ब्रिक आएगा, इसके लिए क्या करेंगे 1 बाई
0.001539 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। जब हम इसको ये करेंगे डिवाइड का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 649 ब्रिक इन 1 MQ स्टैंडर्ड साइज। ये आपका स्टैंडर्ड साइज आ जाएगा विद आउट मोटार, विदाउट मोटार मतलब बिना मसाला के मेरा इतना ब्रिक आपको लगेगा 1 MQ में। आपका 649 कहीं कहीं आपको 650 भी मिलेगा, राउंड फिगर 649 ब्रिक लगेगा। अब आपको बताते हैं विद मोटार मतलब जैसे आपको हम ब्रिक दिखाए पीछे इसी वीडियो में आपको ब्रिक दिखाए, उसमें अगर मेरा 10-10 mm का मोटार जब उस पर लगा देंगे तो इसका मेरा साइज हो जाएगा साइज ऑफ ब्रिक विद मोटार, ये आपका हो जाएगा 200 × 100 × 100, ये आपका 200 × 100 × 100 आपका हो जाएगा। इसको हम लोग ये mm में है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.200 × 0.100 × 0.100, ये आपको मीटर में हो गया है। जब इसको कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये मेरा आएगा आएगा आपका 0.002 MQ, ये आपका एक ये यहाँ भी MQ होगा, ये आपका 1 MQ, ये एक ब्रिक का आपका सॉरी एक ब्रिक का आपका इतना वॉल्यूम आ गया विथ मोटार। अब देखिए नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 MQ विथ मोटार ये कितना आएगा, तो एक ब्रिक 1 MQ ब्रिक बटा में एक ब्रिक का हम ये लिख देते हैं 0.002। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आपको 500 ब्रिक आएगा, 500 ब्रिक्स, ये 500 ब्रिक्स आएगा 500 ब्रिक इन 1 MQ विद मोटार, ये आपका स्टैंडर्ड साइज हो गया। तो ऐसे ही आप आगे भी मेरा वीडियो आते रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ, तब तक आप अपने और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि हम आपके लिए कैसा वीडियो लाएँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ज़रूर कोशिश करेंगे हम ऐसा वीडियो लेने के लिए। जय हिंद दोस्तों।